हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सौमी एंड यू आर वॉचिंग सौमीज टेक टिप। आज मैं आप लोग के सामने मी 11 के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मी 11 चाइना में लॉन्च हो चुका है, ग्लोबल लॉन्चिंग अभी हुई नहीं है और स्पेकुलेशंस है कि इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ़ोन का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन। अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू। ये फ़ोन जो है ये अपने आप में बहुत खास है, बहुत लोग इससे बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये फ़ोन अपने आप में एक डिफरेंट काइंड होने वाला है। मी 11 इंडिया में इतना फेमस इसलिए है क्योंकि मी 10 से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इट डिडंट, ये उतना हमें खुश नहीं कर पाया और इंडिया में अच्छे से आया भी नहीं। लेकिन मी 11 से बहुत सारे होप्स है क्योंकि ये इंडिया में आएगा और शायद इसकी बिक्री इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसकी खास खास बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन 888 यूज़ किया गया है। अब आप बोलोगे 888 तो हमने कभी कहीं सुना? हाँ, आपने सुना है, सैमसंग S21 का जो सीरीज आने वाला है वो स्नैपड्रैगन 888 इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो इंडियन कस्टमर्स के लिए नहीं आने वाला है, वो USA के कस्टमर्स के लिए आने वाला है। तो मी हमारे लिए ला रहा है, इसकी वजह से ये फ़ोन और भी स्पेशल हो जाता है। इस फ़ोन में जितनी अच्छी बातें हैं उसमें कुछ कुछ खामियां भी है। ये फ़ोन जो है जब आएगा, मतलब इसका जो बॉक्स होने वाला है, इसके अंदर कोई चार्जर नहीं होने वाला, इसके अंदर कोई हेडफोन नहीं होने वाला। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं आईफोन वालों को, तो क्या हो जाता है कि जो आईफोन करता है एंड्रॉयड फोन उसी चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जैसे कस्टमर्स जो पैसा दे के फ़ोन ख़रीदते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। पर मी 11 में हम लोग को चार्जर नहीं मिलने वाला है, हम लोग को हेडफोन नहीं मिलने वाला है और इसके साथ बस फ़ोन में एक बॉक्स के अंदर एक फ़ोन है और एक प्लास्टिक केस दिया जा रहा है। तो पता नहीं ये ट्रेंड शायद आईफोन को देख के किया जाए, तो शायद यही ट्रेंड चलने वाला है आगे भी। सेपरेटली चार्जर आप खरीद सकते हो चाहो तो, इसका एक सेपरेट चार्जर भी दिया जाता है। इसके चार्जर के बारे में बात करते हुए मुझे याद आ रहा कि इसका बैटरी बहुत अच्छा होने वाला है, 4600 mAh की बैटरी होगी, 55 वॉट्स फास्ट चार्जिंग होगा, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ओप्पो के फ़ोन में 65 वॉट्स फास्ट चार्जिंग ऑलरेडी है। हाँ, इसकी खास बात यह है कि जो 10 वॉट्स का रिवर्स फास्ट चार्जिंग होगा इस फ़ोन में, ये एक नई चीज़ है, और 50 वॉट्स का वायरलेस फास्ट चार्जिंग ये भी एक नई चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है इस फ़ोन में। साथ ही साथ इसका जो ग्लास होगा, इसका जो ग्लास कवर होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स यूज़ किया गया है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स अभी तक अगेन स्मार्टफोन में यूज़ नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का ग्लास है। सैमसंग S21 में भी, मतलब S21 में भी ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बोल ही दिया, साथ ही साथ इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा होने वाला है। इसका जो स्क्रीन होगा 6.81 का स्क्रीन होने वाला है, ब्राइटनेस 1500 निट होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितने सारे स्मार्टफोन से सबसे ब्राइटेस्ट यही निकल जाए, ऐसा हो ही सकता है। शाओमी अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इसके स्पीकर में भी, क्योंकि इसमें जो स्पीकर यूज़ किया गया है वो हार्मन कार्डन यूज़ किया गया है जो कि ऑडियो के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई ऑडियो जैक नहीं है। इसका मतलब है आपको शायद ब्लूटूथ हेडफोन लेना पड़े। और साथ ही साथ इसका जो कैमरा है सबसे अच्छा, इसमें कैमरा में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि शाओमी अपने फ़ोन्स की कैमरा के स्पेक्स को थोड़ा हाइप करता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है जितना जिसके बारे में इतना सारा मार्केट में बोला जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, 108 MP का कैमरा होने वाला है विद F1.8 जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें HMX सेंसर यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें 13 MP का लेंस यूज़ किया गया है फॉर अल्ट्रा वाइड व्यू एंड 5 MP यूज़ किया गया है फॉर टेली मैक्रो मी 10 में यूज़ नहीं किया गया था इस फ़ोन में यूज़ किया गया है। अब माना जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि इसका पिक्चर का जो क्वालिटी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। नाइट मोड में भी ये फ़ोन वर्क करेगा तो फिर काफ़ी अच्छा, जब पिक्चर हम लोग नाइट मोड में लेते हैं वो भी बहुत अच्छा होगा। इसमें 7P लेंस यूज़ किया गया है विद OIS, वो भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन में। तो मतलब इसके कैमरा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें जो UI यूज़ किया गया है, MIUI 12 यूज़ किया गया है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11, जो कि तो स्नैपड्रैगन 888 का GPU काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पहले
एड्रीनो 650 यूज़ किया गया था, जो कि मतलब बाकी सारे फ़ोन्स में, लेकिन अब इसको भी और इम्प्रूव करके एड्रीनो 660 यूज़ किया गया है, जो एड्रीनो 660 यूज़ होगा जो कि 35% ज़्यादा फास्ट होगा। तो हम लोग गेम भी अच्छे से खेल सकते हैं इसमें, हैवी गेम्स आप खेल सकते हो, साथ ही साथ उन हैवी गेम्स को आप फास्ट मोड, पावर मोड और टर्बो मोड में भी खेल सकते हो। तो ये फ़ोन इसमें बहुत अच्छा है। अगर मैं इस फ़ोन के कुछ कुछ नुक्स बताऊँ, तो इसमें एक नुक्स जो मुझे लगा थोड़ा ऑड है वो ये है कि इसमें इंटरनल मेमोरी कार्ड स्लॉट है ही नहीं। को 128 GB का दिया गया है और रैम 8 GB का दिया गया है, कोई एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट का कोई वही नहीं है, कोई मतलब फैसिलिटी नहीं दी गई है उसमें, और कोई चार्जर नहीं दिया गया है, कोई हेडफोन नहीं दिया गया है। तो ये दो नुक्स हैं इस फ़ोन के। और क्योंकि लेकिन क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 888 यूज़ किया गया है, तो आप मान के चलो वो बाकी सारी जितनी भी खामियाँ हैं कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर ही देता है। लेकिन अब अगर इसके प्राइस रेंज की मैं बात कर दी जाए, क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना अच्छा है, तो आप मान के चलो कि ये फ़ोन मिड रेंज में शायद ही आए, थोड़ा सा हाई एंड रेंज में जा सकता है, तो 50K के अराउंड आ सकता है ये इंडिया में। तो देखते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि जब ये फ़ोन हाथ में आएगा तब हम लोग कैसे इसे ऑपरेट करेंगे। जितनी भी इसके कैमरा के बारे में बातें हैं बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये फ़ोन उतना भी ज़्यादा अच्छा होगा इसका कैमरा, लेकिन प्रोसेसर बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि इसके प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। बाकी हम लोग देखते हैं ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करती है हमारे मतलब हमारे इंडियन मार्केट में। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।